वेलकम गाइस, एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। अभी जो टाइम चल रहा हमारा जो बहुत कम है, बिकॉज एग्जाम बहुत जल्द आ रही है, तो कुछ नया तो करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है पर याद तो रखना ही पड़ेगा। तो क्या है इसमें, इसमें यह है डिफरेंट डायग्नोसिस टेस्ट। ओके, तो क्या क्या रहता है, और डिफरेंट डायग्नोसिस टेस्ट फॉर डिसीज, कोई भी डिसीज है उनके वो आइडेंटिफिकेशन के लिए उनका टेस्ट रहता है पर्टिकुलर। ओके, तो वो कौन कौन सा है और कहाँ कहाँ तक यूज होता है वो याद रखना। ओके, विडाल फॉर टाइफॉइड, विडाल जहां पे आएगा वहां पे टाइफॉइड याद रखना का। टाइफॉइड जहां पे दिखेगा तो वहां क्या करने का, डब्ल्यू वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेगा। टाइफॉइड तो डब्ल्यू वाला क्या ऑप्शन है, ओके विडाल, कम ऑन टाइफॉइड तो विडाल, ओके वो तो याद रखना ही पड़ेगा। एग्जाम के टाइम पे फीवर तो नहीं आना चाहिए क्योंकि काम तो करना है। ओके, तो जीपेड में बड़े स्कोर लाना है, गुड स्कोर लाना है, तो याद तो रखना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और ये पूछा गया जो क्वेश्चन है उनकी ये बुक है ईमानदार, वहां से ही मैं आपको प्रिपेरेशन करवाता हूँ। ओके, तो आपको याद रखना है इसमें, कोई क्या बोलते हैं कि वो रखना ही पड़ेगा, ओके इसमें कोई चलेगा नहीं। ओके, स्कोर अच्छा लाना तो काम करना पड़ेगा। चलो लेट्स स्टार्ट। टाइफॉइड तो विडाल, टाइफॉइड जहां पे दिखेगा यहाँ पे डब्ल्यू वाला जो ऑप्शन है वो तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। टाइफॉइड किसके लिए, विडाल के लिए। ओके, बाद में क्या आएगा, कोल्ड एग्यूलेशन रिएक्शन, और यहाँ पे क्या आ गया, निमोनिया। ओके, कोल्ड एग्यूलेशन रिएक्शन फॉर निमोनिया। बाद में कॉम्स्टेस, ओके कॉम्स्टेस किसके लिए होता है, तो जो एंटीबॉडी होती है ना लाइक ब्रुकोलियस, वहां इनके लिए कॉम्स्टेस यूज होता है। ओके, बीसी याद रख सकते हो, बीसी का मीनिंग सबको पता हो। ओके, बीसी कॉम्स्टेस ब्रुकोलियस। ओके, बाद में आएगा रोज वाटर टेस्ट, तो रोज वाटर टेस्ट से क्या है, रोज गुलाब, अरे यार वो नहीं है, ये तो रूमेटिक आर्थराइटिस के लिए है, आर से आर याद रखो। ओके, रोज वाटर टेस्ट आर से आर, आर से आर। ओके, बाद में आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, बाद में आएगा डिक टेस्ट, डिक टेस्ट किसके लिए, फीवर, फीवर आएगा वहां पे डिक याद रखना, डिक कहाँ पे आएगा जब फीवर आएगा। ओके, डिक टेस्ट में क्या है, स्ट्रिप्टोकोकस जो पाइरोजन है ना उनके कारण जो फीवर होता है ना, तब डिक टेस्ट आएगा। ओके, बाद में क्या है, ये भी फीवर के लिए है, क्या है, सेलचेट कार्टोन रिएक्शन, ये दोनों फीवर के लिए याद रखने का। डिक टेस्ट कहाँ पे, फीवर के लिए, कौन सा फीवर, स्ट्रिप्टोकोकस पाइरोजन के लिए जो फीवर होता है ना उनके लिए। ओके, बाद में जो ट्यूबरक्लोसिस है वन टू और थ्री, उनके लिए तीन टेस्ट यूज होता है, आप याद रख लो। एक तो है मोंटेल्युकास और जाफरल्युकास, उनकी जो टेबलेट आती ना अस्थमा के लिए, तब भी जाके ये मोन्टेक्स टेस्ट उनके हिसाब से नाम पड़ा है उनका। बाद में आएगा हिप टेस्ट और टाइन टेस्ट। ओके, ये तीन आपको याद ही रखना है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, हिप टेस्ट, मोंटेल्युकास और टाइन टेस्ट। ओके, और ट्यूबरक्लोसिस। बाद में आएगा लेप्रोसी, ओके एल से याद रखो, एल लेप्रोसी क्या है, यहाँ पे लेप्रोसी, लेप्रोमिन टेस्ट फॉर लेप्रोसी, ये इजी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे नाम से आंसर मिलता है, क्वेश्चन से आंसर मिलता है। ओके, तो ऐसे आप आंसर उनके ढूंढ सकते हो एमसीक्यू में, बहुत इजी रहता है। सीक टेस्ट फॉर डिप्थेरिया, ओके शादी याद रखो, किसी की शादी में जाना, शादी, शादी की सीजन चल रही है अभी, शादी। ओके, डुकरी टेस्ट फॉर हीमो हीमोफिलस डुक्रेसी, ओके बाद में डुक्रेसी तो यहाँ पे भी दिखता है, तो ये भी आसान हो गया याद रखने का, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, आसान ट्रिक है उनके हिसाब से, आपको याद रखना है, लर्न करना मीन्स करना है, पर मैं थोड़ा इजी तरीका दिखाता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि टाइम कम है इसमें, टाइम ज्यादा लगता है इसलिए। बाद में आएगा फ्रेयस टेस्ट, वो किसके लिए, जो एजेंट है लिम्फोग्लोनेनिमा उनके लिए। ओके, बाद में आएगा पॉल बुनल टेस्ट, डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ मोनोन्यूक्लियोसाइट। ओके, बस इतना सा सिंपल है मेरे दोस्तों, क्या है इसमें, डिफरेंट डायग्नोसिस टेस्ट फॉर डिफरेंट डिसीज, बस ये याद कर लो। दोनों टेस्ट जो आगे वाला वीडियो था वो भी टेस्ट याद कर लो, और ये भी टेस्ट याद कर लो, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आपके लिए। ओके, चलो मेरे दोस्तों, हर बार नहीं बताना पड़ता, आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो किसी के साथ शेयर भी कर दीजिए, और आगे आगे वाले जो नए वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए मेरे दोस्तों। चलो थैंक यू, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।